मटर पनीर, मटर आलू और मटर की सब्ज़ी तो आपने बहुत ही खाए होंगे, लेकिन एक बार इसे मेरे जैसे नए तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी स्वदेशी किचन एंड ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर की सब्ज़ी, जो मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है इसको। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप मटर ले लिया है, तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो इसको मिक्सी जार में डालेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा करना है। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है इसको और इसको एकदम पेस्ट बना लिया है। तो चलिए इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे आधा कप बेसन और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और आधा छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर। तो सबको मिक्स कर देंगे और मटर का जो पेस्ट का पानी था उसी को मैंने ऐड करके मिक्स कर लिया है और इस पर थोड़ा सा अलग से पानी और डाला है मैंने। और ये देखिए कुछ इस तरह से इसका बैटर बना लेना है। और इधर मैंने एक प्लेट में ऑयल लगा लिया है थोड़ा सा, उसके बाद बैटर को प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इस तरह से फैला देंगे। और इधर मैंने एक कढ़ाई लिया है और इसमें स्टैंड रख दिया है और इसमें पानी डालेंगे और इसको स्टैंड पर रख देंगे और इसको ढक देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो करीब मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया है और उसके बाद इसको चेक करेंगे टूथपिक से। तो ये देखिए टूथपिक साफ़ आ रहा है, तो ये बनकर रेडी है। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, आप चाहो तो इसको फ्रिज में रख कर ठंडा कर सकते हैं अगर जल्दी ठंडा करना हो तो। और इसको कट कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो ये देखिए और अभी भी हल्का ये गर्म है, तो ये देखिए ऐसे पीसेस में कट कर लेना है, आप छोटा बड़ा जैसा आपको चाहिए उस तरह से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे पीसेस में कट करना है। और इधर मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच से सरसों का तेल, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग और 2 प्याज बारीक कटा हुआ। तो इसको भून लेते हैं, तो चलिए ढककर भून लेते हैं ताकि जल्दी से प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए। और देखिए प्याज हमारा भुना गया है, अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने 2 टमाटर लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। और इसमें 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, और सबको मिक्स करके चला लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको भी मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से मसाला को भून लेते हैं। तो मसाला से तेल रिलीज हो चुका है, तो हमारा मसाला भुनाकर रेडी है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे पानी, तो पानी अपने हिसाब से लीजिएगा जितना आपको ग्रेवी चाहिए। तो ग्रेवी में बॉईल आने देते हैं, तो ग्रेवी में बॉईल आ चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे जो मैंने बर्फ़ी बनाकर रखा था मटर का, उसको ऐड कर देंगे। आप चाहो तो इस मटर बर्फ़ी को तेल में फ्राई करके बना सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा टेस्ट लगता है इसका खाने में। आज मैं इसको बिना फ्राई करके बना रही हूँ क्योंकि कम तेल में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया था और 7-8 मिनट के लिए इसको पकाया है मैंने और ये बनकर रेडी है, ये देखिए। और इतना ही मुझे ग्रेवी चाहिए, इससे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद इसकी ग्रेवी सूखेगी, थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ता और इसको मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए मटर बर्फ़ी की सब्ज़ी बनकर हमारा रेडी है। मैंने तो इसे मटर बर्फ़ी सब्जी नाम दिया है, आप इसे कौन सा नाम देना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और इस वीडियो को अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगी ना तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सकेगी, और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।